हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अलग रेसिपी, यानी कि चिली कॉलीफ्लावर, जिसे गोभी के स्नैक्स बोला जाता है और आप इसको चिली कॉलीफ्लावर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने गोभी ली है, मैंने इसके डंठल निकाल दिए हैं क्योंकि वो हमें नहीं यूज़ करने हैं। और मैंने गोभी को भी अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर सुखा लिया था। और अभी हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो अभी हम इसको कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आपको पीसेस जितने बड़े चाहिए आप उस हिसाब से काट सकते हैं। सो मैंने करीब यहाँ पे 1.5 किलो गोभी ली है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं, सिस्टर इन लॉज आ रखे हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये बनाए हैं। और तो मैंने इसलिए गोभी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि बच्चे लोग हैं, वो खा लेते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है इस बार। और ये देखिए, अभी मैंने जो गोभी है वो काट ली है। जैसे हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं तो इससे एक फ़ायदा ये भी है कि इससे पता भी चल जाता है कि कहीं गोभी के अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, हमने ले ली है गोभी और सारे टुकड़ों में हमने इसको काट लिया है। तो पानी देखिए यहाँ पे बॉईल हो गया है अच्छे से, बिल्कुल गर्म है पानी, यानी कि बॉईल हो रहा है। तो अभी हमने जो गोभी काट के रखी है हम उसको डाल देंगे इस पानी के अंदर और करीब 2-3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पकाएंगे पानी के अंदर। पानी जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, यानी कि जैसे कि ये पानी बॉईल हो रहा था, तो जो बॉईल हो रहा है पानी, आपको उसके अंदर ही गोभी डालनी है और उसको करीब 2 या 3 मिनट के लिए पकाना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने गोभी को पहले भी वॉश किया था और अभी इसके अंदर ये बॉईल होकर भी और भी साफ़ सुथरी बनकर आ जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो गोभी है वो थोड़ी सी अंदर से पक जाएगी, यानी कि जो इसका कच्चापन होता है वो थोड़ा सा निकल जाएगा। सो अभी हम सारी गोभी निकाल लेते हैं क्योंकि करीब 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट ट्रिक बताती हूँ हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने ये मैदा, 1 कटोरी मैंने मैदे की ली है, तो मैं इसमें से आधी कटोरी ही डाल रही हूँ मैदे की। और ये लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, आप चाहें तो इसकी जगह पे आरारोट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और आधी कटोरी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। तो और मैं डाल रही हूँ अभी इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो मैंने अभी इसके अंदर नमक डाल दिया है। सो अभी हम इसको कर लेंगे मिक्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करते रहेंगे क्योंकि जो हमें इसका बैटर बनाना है वो थोड़ा सा थिक रखना है ताकि गोभी के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो पाए, हमें इतनी इसकी थिकनेस रखनी है इस बैटर की। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी पानी थोड़ा सा ही डाला है, तो पानी हमें देख देख कर ही डालना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, कहीं ये बैटर जो है वो गोभी के पीसेस के ऊपर टिके ही ना। तो पहले हम इसका घोल जो है वो तैयार कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने घोल को तैयार कर लिया है, मैंने करीब ये इतना थिक रखा है, यानी कि इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं मैंने किस तरह की रखी है, क्योंकि हमें गोभी के ऊपर अच्छे से कोटिंग चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने गोभी को थोड़ा सा बॉयल पानी के अंदर डाल के रखा था तो वो ठंडी हो गई थी गोभी, तो अभी जो मैंने बैटर बनाया है उसके अंदर हम ये सारी गोभी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए, अभी मैंने सारी गोभी डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर मैंने कोई मिर्ची या हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने नमक डाला है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि जो हम कोटिंग इसके ऊपर कर रहे हैं इससे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीनेस मिलेगी। तो यहाँ देखिए, पहले तो मैं इसको अच्छे से कोटिंग कर लेती हूँ गोभी की,
सो यानी कि हमारी जो गोभी है उसके ऊपर कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। और यहाँ देखिए तेल भी गर्म हो गया है कढ़ाई के अंदर, तो अभी हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो ऐसे करके मैं इसके अंदर गोभी के पीसेस जो है वो डाल रही हूँ, कोटिंग हो चुकी है गोभी के ऊपर अच्छे से। तो अभी हम सारे जो गोभी के पीसेस हैं वो जितने कढ़ाई के अंदर आएंगे उतने हम डाल देंगे। और जो कढ़ाई की जो गैस की फ्लेम है वो मैंने मीडियम ही रखी है, लेकिन तेल जो है वो बिल्कुल गर्म हो गया था तो मैंने अभी गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर दी है ताकि गोभी अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। वैसे तो मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर भी रखा है, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर भी पका लेंगे तो गोभी जो है वो अंदर से अच्छे से पक भी जाएगी। तो चलिए अभी हम इसको कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीनेस आएगा गोभी के ऊपर और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। वो तो मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, नहीं तो अगर आप आधा किलो या किलो गोभी की बनाना चाहें तो आप इसको करीब 20 मिनट के अंदर बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। तो यहाँ देखिए अभी गोभी हो रही है फ्राई, यानी कि गोभी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। देखिए इसके ऊपर एक कलर भी आ गया है और इसके अंदर क्रिस्पीनेस भी बहुत ही बढ़िया आई है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। मन तो कर रहा है इसको ऐसे ही खा लें, ये इतनी क्रिस्पी थी। तो चलिए मैंने अभी ये निकाल ली है और जो बाकी बचे हैं अभी हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने उनको भी फ्राई कर लिया था जो बाकी बचे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही करके सारी जो गोभी है मैंने उसको फ्राई कर लिया था। और यहाँ आप देख भी सकते हैं, तो देखिए अभी गोभी को तो मैंने फ्राई कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। ऐसे सिंपल खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो मैं एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पीनेस आई है। तो अभी हम लगाएंगे इसको तड़का। तड़के के लिए यहाँ देखिए मैंने सोया सॉस लिया है, टोमेटो सॉस और ये प्याज, और यहाँ पे लिया है मैंने शिमला मिर्च। तो मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है थोड़ा सा, तो अभी हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज बारीक कटे हुए। आप किसी भी शेप में प्याज को काट सकते हैं। तो इसको हम बस थोड़ा सा ही भूनेंगे और फिर साथ में डाल देंगे हम इसके अंदर शिमला मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी। तो मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी है, तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा कच्चापन रखना है इसके अंदर। तो अभी हम डाल देंगे इसके अंदर टोमेटो सॉस। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया टोमेटो सॉस तो यहाँ आप देख सकते हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक। ध्यान रखिएगा मैंने नमक जो है वो पहले भी डाला था जब मैंने कोटिंग की थी, तो अभी मैंने इसके अंदर डालना है थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्च और थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे और कम आंच ही रखनी है ताकि जो हमारा ये मिक्सचर है वो जले ना। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर सोया सॉस, ये मैंने करीब 1 चम्मच लिया था। तो अभी हम इसको अच्छे से भी फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी हुई है मैंने अभी भी। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके अंदर ये जो कॉर्नफ्लावर था, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था तो उसका थोड़ा सा घोल बनाया था मैंने, यानी कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के और फिर मैंने उसके अंदर 4-5 चम्मच पानी के डाले, फिर उसको घोल लिया था अच्छे से और फिर मैंने वो डाल दिया था। और मैंने यहाँ पे डाल दिया अभी थोड़ा सा विनेगर। तो जो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है इसके अंदर घोल बनाकर, उससे क्या होगा ये थोड़ी सी ग्रेवी
थोड़ी सी थिकनेस आएगी इसके अंदर, इसलिए मैंने वो डाला है। बट अगर आप थोड़े सूखे सूखे रखना चाहते हैं इसको, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैंने इसके अंदर डाल दी है सारी गोभी, तो अभी हम बिल्कुल कम आंच पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमने ग्रेवी बनाई है, जो ग्रेवी हमने तैयार की है, वो गोभी के अंदर तक चली जाए, उसके अंदर तक फ्लेवर्स चले जाएं इस चीज़ के। सो यहाँ आप देख सकते हैं अभी कितने बढ़िया तरीके से जो हमारी ग्रेवी है उसको गोभी ने कितने बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। और देखिए हमारा चिली कॉलीफ्लावर रेडी है, यानी कि गोभी के स्नैक्स हमारे रेडी हैं। तो थोड़े से अभी हम इसके ऊपर तेल स्प्रिंकल कर देंगे, और यहाँ देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। सो यही थी मेरी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।